यूपी पंचायत चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस हार को पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में बीजेपी जीत में बदलती दिख रही है। सपा का आरोप है कि जिस तरह से यूपी में चुनाव कराया जा रहा है वो लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश है और जनता बीजेपी से इसका जवाब विधानसभा चुनावों में लेगी। आज नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तारीख थी तो कहां कहां हुए नाम वापस और क्यों विपक्ष लगा रहा है सरकार पर आरोप, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में हुए जिला पंचायत सदस्यों के चुनावों में बीजेपी पहले नंबर से सीधे तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। पंचायत चुनावों में मिली इस हार के बाद से ही योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे थे। दावा किया जाने लगा था कि बीजेपी आदित्यनाथ की जगह किसी और को चेहरा बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। कुर्सी पर मुश्किल आई तो बीजेपी ने पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में नई रणनीति अपनाई। पहली तो ये कि चुनाव हो ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष बिना मतदान के चुनवा लिया जाए। राज्य की 75 जिला पंचायतों में से बीजेपी ने शुरुआत में कम से कम 50 पर जीत का टारगेट रखा था और इसमें बीजेपी को सफलता मिलती भी दिख रही है। 18 पर तो पहले ही निर्विरोध चुनाव तय हो गया था जिसमें 17 बीजेपी के खाते में गई है और आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन कई जिलों में विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिया जिससे बीजेपी की जीत का ये आंकड़ा और बड़ा हो गया। बागपत, सहारनपुर, शाहजहांपुर, बहराइच और पीलीभीत में विपक्षी दल के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। यहां भी अब सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं, जिससे बीजेपी को 22 जिला पंचायतों में बिना चुनाव के ही जीत मिल गई। बागपत में आरएलडी की ओर से जिला प्रशासन और योगी सरकार पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। यहाँ से आरएलडी उम्मीदवार ममता के नामांकन वापस लेने के कारण बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिया गया, जबकि आरएलडी नेताओं का कहना है कि ममता की जगह कोई और महिला नामांकन पत्र ले गई है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है कि ममता तो राजस्थान में है, ऐसे में यहाँ आकर वो कैसे नामांकन वापस ले सकती है। विपक्षी उम्मीदवारों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो सत्ताधारी दल के समर्थन में चुनाव मैदान से हटने का दबाव बना रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।